हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। नाउ लिगेंड्स क्या होते हैं, मैंने आपको ब्रीफ में एकदम इंट्रोडक्शन दिया था, बट आज के लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, कितने टाइप से उनको क्लासीफाई किया जा सकता है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ना स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक सिंपल बात बोलूँ, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा हमको फोकस लिगेंड्स के ऊपर ही करना है, बिकॉज पूरा आगे का चैप्टर जो है वो लिगेंड्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो आपको ये लेक्चर, इवन नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज ये टाइप्स ऑफ लिगेंड जो है और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड जो है वो एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, इसके लिए लगभग मुझे 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। तो हम लोग अच्छे से एक एक चीज को कवर करते हुए पढ़ेंगे। जो भी मैं आपको लेक्चर नंबर 4 और 5 में पढ़ा रहा हूँ, वो आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, फिर ही आगे के लेक्चर देखना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ना बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, थर्ड लेक्चर में मैंने आपको एंड में एक वर्कशीट दिया था, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन थे, तो एक बार उनको डिस्कस करते हैं, फिर ये चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो वर्कशीट आप देख सकते हो, लेक्चर नंबर 3 के एंड में जो वर्कशीट था उसका पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ना होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड्स हो। तो आप अगर फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो उसमें एक ही लिगेंड है, दैट इज अमोनिया, दैट इज NH3। दूसरे वाले में 2 लिगेंड है, NH3 के साथ क्लोरीन भी है। थर्ड वाले में अगर बात करूं तो उसमें भी 2 लिगेंड है, क्लोरीन के साथ NH3 भी है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा, ए, बिकॉज लास्ट ऑप्शन क्या दिया, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी के लिए आंसर कब हो सकता था, जब वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ए। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2, अ परफेक्ट कॉम्प्लेक्स इज द वन विच हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ केएफ। डेफिनेटली फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फॉर इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स द वैल्यू ऑफ अल्फा, वो बहुत ही ज्यादा डिसोशिएट होता है, ठीक है ना। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो ज्यादा डिसोशिएट होता है, जिसका केएफ का वैल्यू क्या रहेगा, बहुत ही कम। तो डेफिनेटली इसका डिसोशिएशन ज्यादा होगा, तो अल्फा का वैल्यू वेरी हाई। नेक्स्ट, अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कोई मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएट हो रहा है, और सबको पता है कि इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ज्यादा डिसोसिएट होते हैं। परफेक्टनेस एंड इम्परफेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सेकंड इज नेचर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट, एंड सेकंड इज नेचर ऑफ द रिएजेंट। तो इसका बेस्ट ऑप्शन वुड बी सी, बोथ कॉन्सेंट्रेशन एंड नेचर ऑफ द रिएजेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, अमंग K3CuCN4 एंड K2CdCN4 Which one is relatively less stable? तो students, और कुछ तो option में दिया नहीं है हमको, ये जो मैंने examples आपको याद रखने बोले थे, मैंने आपको सिखाने के time में भी बोला था कि ये examples आपको याद रखने, तो K2CdCN4 उसमें मैंने आपको लिखवाया भी है, imperfect complex का एक example है, जो आपको CDS का PPT भी देता है। Next, imperfect complex which dissociate completely, that is 100%, are known as dash salt, double salt, ठीक है। Last question important है, aqueous CuSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस KCN, एक्सेस KCN में मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था, एक्सेस KCN में इट गिव्स K3CuCN4, बिकॉज इसमें ये अलग से मैंने आपको विथ मैकेनिज्म समझाया था कि इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। जनरली जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, बट कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, उसमें से वन ऑफ द वन विच इज प्रेजेंट इन आवर सिलेबस इज ये दिस वन। तो इसका कॉपर का जो है +3 से +1, +2 से +1 हो जाएगा, इट इज K3CuCN4 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है बेसिकली, अगर और देखने जाए तो ऑप्शन ए ही है, लेकिन आगे भी अगर हम लोग बात करें H2S, तो H2S बेटा डेफिनेटली प्रेसिपिटेट जो है देगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, और ये मैंने आपको लिखवाया भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, K3CuCN4 टाइम्स एंड नो प्रेसिपिटेट, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा वर्कशीट हो गया, ठीक है। आज के लेक्चर के एंड में भी आपको एक PDF वर्कशीट मिलेगा, वो भी आपको सॉल्व करना है, लेक्चर नंबर 5 के स्टार्टिंग में मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड्स कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, आज का लेक्चर है हमारा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। ना लिगेंड्स क्या होते हैं, वो तो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में सिखाया था, इलेक्ट्रॉन डोनर टू द सेंट्रल मेटल एटम, कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड, राइट। ना क्लासिफिकेशन, अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। आज के लेक्चर में आपको मैं सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन सिखाने वाला हूँ, केस 1 का क्लासिफिकेशन एंड केस 2 का क्लासिफिकेशन, सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगैंड, लिगैंड के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है कि भाई लिगैंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लिगैंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या उसके ऊपर नो चार्ज है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देखना, एक सिंपल है, सपोज मेरे पास में OH माइनस है, बराबर है, OH माइनस है, तो इसमें ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? तीन लोन पेयर है, जनरली दो होने चाहिए बट एक माइनस है तो एक लोन पेयर एक्स्ट्रा हो गया। तो ये वाला जो है लोन पेयर वो मेटल को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग बोलेंगे लिगेंड। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक अनायनिक लिगेंड हो जाएगा। दूसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे ये वाला NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये भी तो मेटल को क्या कर सकता है? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट इसके ऊपर खुद के ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है, तो इसको न्यूट्रल लिगैंड बोलना चाहिए हमने। और अगर हमारे पास जो लिगैंड है उसके ऊपर समझो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हाइड्राजिनियम आयन, नाम सबके मैं बताऊंगा कैसे पढ़े, ये है हाइड्राजिनियम आयन, इस नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर नहीं है लेकिन इस नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर किसी को डोनेट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली बच्चों ये वाला जो लिगेंड है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है? पॉजिटिव है ना, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? कैटायनिक लिगेंड। सो बेस्ड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। सबसे पहले अनायनिक लिगेंड्स, दूसरा जो है वो होगा कैटायनिक या फिर अगर समझो न्यूट्रल लिगेंड्स लाइन से जाते हैं, तीसरा जो होगा वो होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायनिक लिगेंड्स। सो बेसिकली बेस्ड ऑन द चार्ज लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? थ्री टाइप्स। बोलो, नंबर वन अनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करके डिटेल में ध्यान देना। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एनायनिक लिगेंड्स, तो एनायनिक लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। सो दे कैरी नेगेटिव चार्ज, सबसे पहला पॉइंट, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि जब अपन IUPAC पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, इसमें भी अलग से IUPAC है, तो इनका जो नाम होता है उसके अंत में मतलब एंडिंग में वो आता है। सो इन IUPAC देयर नेम एंड्स विथ ओ, लास्ट में क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है सर, एग्जांपल्स दे दो ना, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहला एग्जांपल है H-, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होगा तो उसको तो प्रोटॉन बोलते हैं, बट अगर एच के ऊपर माइनस होगा तो इसको हाइड्राइड बोलते हैं। तो ये कौन सा आयन है बच्चों? हाइड्राइड आयन है, बट आयन वर्ड तो हम लोग नहीं यूज करेंगे, हम लोग तो खाली हाइड्राइड लिखेंगे, और हाइड्राइड के यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? ई आएगा, बराबर है। तो क्या ये अनायनिक लिगेंड है कि नहीं है? है, बराबर है। अगर ये अनायनिक लिगेंड है तो इसके लास्ट में क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए, तो इसका जो ई है इसको हटा के हम लोग ओ लिख देंगे, बस खत्म, दैट्स इट। ठीक है, चलो और एग्जांपल ले लो, नंबर टू, सबको पता होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हाइड्रोक्साइड जब आप लिखोगे तो हाइड्रोक्साइड में इसको लास्ट में ओ लगा देंगे। बहुत सारे बुक्स में हाइड्रोक्सो लिखा हुआ है बट आप हाइड्रोक्साइड ही लिखो बिकॉज वो IUPAC के हिसाब से। तीसरा अगर मैं बात करूं F- है तो इसका नाम है फ्लोराइड। क्या नाम है? फ्लोराइड आयन, राइट? आयन तो बड़े यूज नहीं करेंगे, बताओ IUPAC में यूज करेंगे हम, ये वाला है फ्लोराइडो, ठीक है ना? इसको बहुत सारे बुक्स में फ्लोरो लिखा हुआ है बट IUPAC के हिसाब से इसका नाम फ्लोरिडो। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल अनायनिक, ये सब अनायनिक लिगेंड्स है, ठीक है ना? इसका नाम क्या है? क्लोराइड, तो ये हो जाएगा क्लोराइडो, ठीक है ना? फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर मेरे पास में Br- है तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमाइड,
तो ई को हटा के क्या लगाएंगे, ओ, तो ब्रोमाइडो, ठीक है। आयोडीन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आयोडीडो, ठीक है ना, आयोडीडो। तो ये हो गया इसका आईयूपीसी नेम। ऐसे बहुत सारे एनायनिक लिगेंड्स और भी मैं बताऊंगा, बट डू रिमेम्बर ये सब एलिमेंट्स और ये सब एनायनिक लिगेंड्स आपको याद रखने हैं बच्चों। तो अभी धीरे धीरे टाइम के साथ आपको भी याद हो जाएगा, इसका नाम हाइड्रोक्साइड हो, इसका नाम क्लोरीड हो, क्लोरीड हो, ब्रोमीड हो, आयोडीड हो, एंड सो ऑन, ठीक है। सेवेंथ वाला नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ओ माइनस टू, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा अपने को याद रखना है, एक्सेप्शन तौर पे है, ठीक है ना। ऑक्साइड इसको बोलते हैं, बट हम लोग इसको आईयूपीएसी में सिर्फ ऑक्सो लिखेंगे, ऑक्साइड हो नहीं, ठीक है ना। तो इसको आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया है ऑक्सो, जैसे आप आईयूपीएसी में जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जनरली ऑक्सो लिखते हो, वैसे यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ऑक्सो ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद में अगर मेरे पास ओ माइनस टू है, ओ माइनस टू क्या है, सुपर ऑक्साइड है, ठीक है ना। जिनको नहीं पता है वो तो मैंने आपको वैसे तो पी ब्लॉक में सिखाया है, ऑक्सीजन के ऊपर अगर माइनस हाफ होगा तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड, माइनस वन होगा तो उसको पेरोक्साइड। तो इसका नाम सुपर ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो, ठीक है ना। सुपर ऑक्सो मत लिखना, खाली वो खाली ऑक्सो के लिए ही याद रखना, बाकी सब मतलब जो है वैसा ही है, सुपर ऑक्साइड हो। नेक्स्ट अगर मैं नाइन वाले की बात करूं, तो ये है आपका पेरोक्साइड, हर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू का चार्ज होगा। आप इसको एक्स मेथड से सॉल्व करोगे, 2x is equals to minus 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड। तो ये हो जाएगा पेरोक्साइडो, ठीक है ना, पेरोक्साइडो ना। आगे बढ़ते हैं। अरे सर कितने एग्जाम्पल याद करने हैं, याद बेटा ये सब कैसे आप यूज करते जाओगे बार बार, जब हम लोग आईयूपीएसी पढ़ेंगे आगे थोड़े लेक्चर्स के बाद, दो से तीन लेक्चर्स के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा, इनको एज सच को याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा नेक्स्ट टेंथ वाला, सबको पता है इसको कार्बोनेट बोलते हैं, ये भी एक एनायनिक लिगेंड ही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कार्बोनेटो। तो कार्बोनेट से कार्बोनेटो हो जाएगा, बराबर है। अभी आप बोलोगे सर ये लिगेंड कैसे हुआ, तो एकदम सिंपल है बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या है, दो माइनस है मतलब दो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है ना, करेक्ट। तो ये वाला कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, बट ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एक लिगैंड बोलेंगे। और सेकेंड थिंग बेटा, इसमें डोनर एटम कौन है, अगर कभी पूछ ले कि बताओ कार्बोनेटो लिगैंड में डोनर एटम कौन है, तो डोनर एटम यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, ना कि कार्बन है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तो डोनर एटम कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है ना कि कार्बन, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ले लू, सबको पता है इसको नाइट्रेट आयन बोलते हैं, ठीक है ना, नाइट्रेट, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेटो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं SO3 2 माइनस, इसको सल्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड, सल्फेट नहीं, सल्फेट तो बेटा 13 वाला हो जाएगा, SO4 माइनस 2, इसको सल्फेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइट, सल्फाइड का ई हटा के सल्फाइटो, सल्फाइटो, इसका सल्फेटो, सल्फेटो। जैसे इसके जैसे एक और ले लेते, चलो PO4 3 माइनस, पढ़ा होगा ना फॉस्फेट आयन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेटो, इसका क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फेटो, ठीक है ना। और बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जितने मैं लिखवा रहा हूँ उतने तो आपको याद ही रखना है, बट मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एसिडिक आयन पड़ा होगा, एसिडिक एसिड CH3COOH, तो इसके ऊपर माइनस आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एसीटेटो, एसीटेटो, ये आपका एसीटेटो लिगेंड हो गया। फिर आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा NH2- को हम लोग बोलते हैं अमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा अमाइडो, NH2- का क्या हो जाएगा, अमाइडो। और इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और लिख देता हूं मैं, NH2 ऊपर -2, NH और ऊपर -2, NH के ऊपर -2, इन दोनों में डिफरेंस है, दिस इज NH2 फिर ऊपर माइनस है, और इधर NH ऊपर -2 है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं इमीडो, क्या बोलते हैं, इमीडो, IMIDO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम आएगा मुझे आगे, ब्रिज लिगेंड वो क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा। ये 17th एग्जांपल, 18th एग्जांपल, आप लोगों ने SH माइनस, जैसे OH माइनस होता है, ठीक है ना, जैसे OH माइनस होता है वैसे HS माइनस होता है, इसको मरकैप्टो बोलते हैं,
क्या बोलते हैं बच्चों, मर कैप्टो। तो ऐसे और भी थोड़े लिगेंड्स हैं, हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो आप देखोगे कि अनायनिक लिगेंड बहुत सारे हो गए, अनायनिक लिगेंड सबसे ज्यादा, न्यूट्रल लिगेंड उससे थोड़े कम, और कैटायनिक लिगेंड तो बहुत ही कम है सर। ऐसा क्यों? कैटायनिक लिगेंड मतलब कटायन, कटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लिगैंड कौन होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला, और अगर उसके खुद के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? बट सम एग्जांपल्स आर देयर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक बार इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 19th एग्जाम्पल ऑफ अनायनिक लिगैंड, इज नाइट्रोजन का N3-. 20th example, don't get confused between these two. इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना? इसको हम लोग नाइट्राइड बोलते हैं और इसको अजाइड बोलते हैं। सो ये हो जाएगा नाइट्राइड आयन, तो नाइट्राइड हो, ठीक है ना? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अजाइड आयन, तो ये हो जाएगा अजाइडो। क्या हो जाएगा? अजाइडो। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग 21 ले, ध्यान से देखना, तो मैं सल्फर का ले लेता हूँ। सल्फर के ऊपर अगर -2 होगा तो इसको सल्फाइड आयन बोलते हैं हम लोग बेसिकली, तो ये हो जाएगा सल्फाइडो। तो आपने देखा होगा सब जगह पे मैंने ई को हटा के ओ डाला है, खाली ऑक्सो में आपको याद रखना है क्योंकि वो IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 22, अगर मेरे पास फॉस्फोरस है और उसके ऊपर -3 है तो सबको पता है इसको फॉस्फाइड बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फाइडो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 23rd एग्जाम्पल, CN2-2-. आपको मैंने स्यूडो हैलाइड्स में सिखाया था, ये क्या है बेटा? साइनामाइड, तो ये हो जाएगा साइनामाइडो। क्या हो जाएगा? साइनामाइडो। तो ये सब कौन से लिगेंड्स है बच्चों? अनायनिक लिगेंड्स है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अनायनिक लिगेंड्स में लिस्ट अपना 23 तक गया है, कैटायनिक और न्यूट्रल में इतने बड़े ज्यादा एग्जांपल नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, सो दे कैरी नो चार्ज। अभी जैसे IUPAC में इनके नेम के एंड में ओ आ रहा है, वैसे इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है, और इसमें IUPAC में जो नाम है वही नाम इसमें रहता भी है। So in IUPAC, they retain their name, except in some cases, थोड़े एक्सेप्शन को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी सब में जो उनका नाम है वही नाम रहता भी है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे CO, नंबर 2 NO, ठीक है ना? ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। थर्ड CS, नंबर 4 NS, ऐसे बहुत सारे हैं। पांचवा अमाइन है, दैट इज अमोनिया एंड ऑल, ठीक है। आगे मैं एग्जाम्पल्स लिखते जाता हूँ, पहले इनके नाम लिख देते हैं। CO को, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोक्साइड है, तो इसको हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? इसमें ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ गया, सल्फर का मतलब थायो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थायो कार्बोनिल। तो ये हो जाएगा थायो कार्बोनिल। अभी बराबर है, इसका नाम क्या है? नाइट्रोसिल। एनओ को हम लोग नाइट्रोसिल बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसमें क्या आ गया? एनओ, ओ की जगह पे एस आ गया, तो थायो नाइट्रोसिल, थायो नाइट्रो बराबर। अच्छो, तो ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। नेक्स्ट NH3 को बेटा हम लोग अमोनिया नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? अमोनिया नहीं, मैंने क्या बोला था यहाँ पे? एक्सेप्ट इन सम केसेस, तो इसको हम लोग अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइन। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 2 M लिखना है, ठीक है ना? इसमें अमाइन में 2 M लिखना है। क्यों ऐसा? बिकॉज NH2 को बेटा हम लोग अमाइडो बोलते हैं, और NH2 अगर NH2- होगा तो अमाइडो बोलते हैं, और NH2 तो प्राइमरी अमाइन है बेटा, तो डिफरेंस पता होना चाहिए, इस वजह से हम लोग डबल एम लिखते हैं, और IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि डबल एम लेना है, ठीक है। उसके बाद में 6 वाला H2O, जो कि बहुत आगे काम आने वाला है हमको, H2O को बेटा हम लोग एक्वा बोलेंगे, ठीक है ना?
पहले पुराने बुक्स में इसको एको लिखा गया था, इधर यहाँ पे लास्ट में ओ आता है, बट अभी जो आईयूपीएसी ने नए अमेंडमेंट्स किए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एक्वा आएगा, एक्वा एक्वो नहीं, ठीक है। एक्वा गार्ड सुना होगा, एक्वा मतलब वाटर ही होता है, ठीक है। तो एक ट्रेंड याद रखने का। सिक्स्थ एग्जांपल, सेवेंथ एग्जांपल ध्यान से सुनिए। सेवेंथ एग्जांपल CH3NH2, एट्थ एग्जांपल C2H5NH2। तो बेटा ये NH2 तो अमाइन हो गया, बराबर ना, और इसमें तो प्रॉपर NH2 है, तो इसमें डबल M लिखने की जरूरत नहीं है। इसका नाम हो जाएगा सिंपल मिथाइल अमीन, ये है आपका मिथाइल अमीन, राइट। और इसका नाम क्या है, इथाइल अमीन, इसमें डबल M लिखने की जरूरत नहीं है। नाइन्थ एग्जांपल, अगर मेरे पास में इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको अगर आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर हुआ है तो आपको ये पता रहेगा इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल और बीच में ओ है तो ईथर हो जाएगा। तो डाई मिथाइल ईथर भी एक न्यूट्रल लिगैंड है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये डाई मिथाइल ईथर एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ CH3OH की, तो CH3OH क्या बेटा, इसमें ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, इसका नाम क्या, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं PH3 लेता हूं, ठीक है ना, तो आपको ग्रुप नंबर किसमें, ग्रुप नंबर 15 में सिखाया था मैंने PH3, बट PH3 इतना अच्छा लिगैंड नहीं है, आपको पूरे इस चैप्टर में PH3 बहुत ही कम जगह पे एज अ लिगैंड दिखेगा, रेयरली मैं बोलूंगा, बट हम लोग नाम लिखने के लिए, याद रखने के लिए बोल सकते हैं फॉस्फाइन, इसका नाम क्या है बच्चों, फॉस्फाइन, ठीक है। 12th एग्जांपल PPH3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ये कैसे सर, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन कैसे, पीएच का मतलब फिनाइल होता है, पीएच का मतलब फिनाइल है, और कितनी बार है, तीन बार है, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, फॉस्फरस के ऊपर एक लोन पेयर होगा और इसके ऊपर टोटल कितने बेंजीन रिंग होंगे, तीन तीन बेंजीन रिंग होंगे, बेंजीन रिंग नंबर वन, बेंजीन रिंग नंबर टू, और यहाँ पे बेंजीन रिंग नंबर थ्री, तीन तीन बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पे ये इसका रियल स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, और फॉस्फोरस के पास जो लोन पेयर है वो डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ड्रैगोजूल से पीरियोडिक सॉरी पी ब्लॉक में सिखाया था कि इसके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, बट इसमें हाइब्रिडाइजेशन है आपका, कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये वाला जो लोन पेयर है वो डोनेट किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड में समझाता हूँ, पहले इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इन न्यूट्रल लिगेंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट एग्जांपल इज N2H4, इसको हम लोग हाइड्राजीन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्राजीन, राइट। अभी इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, NH2 बॉन्ड NH2, तो यहां पे भी लोन पेयर और यहां पे भी लोन पेयर, तो ये एक क्या है, न्यूट्रल लिगैंड है बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान देना, NH2OH, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो देखो OH को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, NH2 को क्या बोलते हैं, अमाइन, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट 15th एग्जांपल C5H5N, इसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीन, क्या बोलते हैं, पिरिडीन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो कैसा दिखेगा, ये जो बेंजीन होता है सेम, ये भी अरोमेटिक ही है, द ओनली डिफरेंस इज वन ऑफ द कार्बन इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, तो C6H6 किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का है, तो यहाँ पे C6H5 हो जाएगा, और उस CH की जगह पे यहाँ पे एक सी और एक एच होता है ना, तो उस CH की जगह पे कौन आ गया, N आ गया, और नाइट्रोजन ने यहाँ पे तीन ही बॉन्ड बनाया, तो एक लोन पेयर रहेगा जो कि किसी को डोनेट भी किया जा सकता है, तो इस वजह से ये भी क्या है आपका, एक न्यूट्रल लिगैंड है, ठीक है ना। ये सब याद रखना, इनके चार्जेस आपको याद रखने बच्चों, मतलब जीरो है। नेक्स्ट एग्जांपल N2, इसको तो अपन ने पी ब्लॉक में पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं,
डाई नाइट्रोजन, क्या बोलेंगे डाई नाइट्रोजन। फिफ्थ 17th एग्जाम्पल O2, इसको हम लोग बोलेंगे डाई ऑक्सीजन, ठीक है, एज इट इज नाम लिखना है। तो ये हो गया बच्चों आपका न्यूट्रल लिगेंड्स। लेट्स मूव टू द थर्ड वन, कैटायनिक लिगेंड्स। नाम से पता चल रहा है इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। सो दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहली बात तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इनका जो आईयूपीएसी में नेमिंग होगा, इन आईयूपीएसी देयर नेम्स एंड्स विथ IUM, सबको पता होगा। जैसे NH4+ को अपन क्या बोलते हैं, अमोनियम, राइट ना, लास्ट में जनरली कैटायंस के एंड में क्या आते हैं, IUM, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला एग्जांपल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है NO+ का, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कौन सा, NO+ का। इसको हम लोग बोलते हैं, अगर प्लस नहीं होता तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल बोलते हैं, बराबर ना। तो इसमें खाली इतना सा चेंज करना है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसाइलियम, नाइट्रोसाइलियम आयन, और इसका एक दूसरा नाम भी है जो आपको याद रखना है, नाइट्रोसोनियम। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आयन वर्ड तो अभी हम लोग नहीं लिख रहे बिकॉज वो तो आईयूपीएसी में नीड रहेगा, तो जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे वहां पर, वो मैं कैसे जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है NO2+, NO2+ को बेटा हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम, राइट। नेक्स्ट थर्ड X+, X+ मतलब कौन कौन हो सकता है, Cl+ हो सकता है, Br+ हो सकता है, या फिर I+ हो सकता है। F+ तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज फ्लोरीन तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कभी करेगा नहीं, तो इसका नाम है हेलोनियम, हेलोनियम, ठीक है ना। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोनियम, और क्लोरोनियम, और इसका नाम ब्रोमोनियम, इसका नाम आयोडोनियम, ठीक है ना। इज इट क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ वन O2+, इसका नाम याद रखिएगा ऑक्सीजनियम, ऑक्सीजनियम, राइट। तो ये है आपके कौन से लिगेंड्स है, ये कैटायनिक लिगेंड्स है। कैटायनिक लिगेंड्स में हमारे पास एक और है, लास्ट एक और एग्जांपल है, फिर ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। N2H5, इसका नाम है हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन, ठीक है ना, जिसको अपन हाइड्राजीनियम लिखेंगे, ठीक है ना। अभी ये क्या है सर, अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो NH2 बॉन्ड NH2 को तो अपन हाइड्राजीन बोलते हैं, देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक एक नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है, ये इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, बट अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, कर देता है, सपोज NH+ को ही डोनेट करता है, तो ये तो NH3+ हो जाएगा, बट स्टिल देयर इज वन लोन पेयर, स्टिल देयर इज वन लोन पेयर। तो इस वाले जो लिगेंड का नाम है उसके नाम में लास्ट में IUM आएगा, और दूसरी बात ये कि अभी भी ये एक लिगेंड के तौर पे काम कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास में X+ है तो उसको हेलोनियम, O2+ है तो ऑक्सीजनियम, NO2+ है तो नाइट्रोनियम, एंड NO+ है तो नाइट्रोसाइलियम या फिर नाइट्रोसोनियम आयन। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लासिफिकेशन खत्म किया है, दैट इज बेस्ड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कितना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज डेंटिसिटी बोलते हैं उसको, बेसिकली क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी, मैं आपको समझाऊंगा। बट फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन दो मिनट पे एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स और टाइप्स ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड, दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन एनायनिक, सेकंड इज न्यूट्रल, थर्ड वन इज कैटायनिक, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एग्जांपल्स मैंने आपको शायद से 23 एग्जांपल्स दिए थे, किसके, एनायनिक के, और बहुत इसके 17 एग्जांपल्स है शायद से, हाँ, और इसके तो लगभग 4 या 5 ही है, बिकॉज लॉजिकल भी लगता है ना, बिकॉज इनके ऊपर खुद के ऊपर ही अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे, और होने भी तो चाहिए बेचारों के पास, तो इस वजह से कैटायनिक लिगेंड सबसे कम एग्जांपल्स है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मुझे सबसे ज्यादा टाइम उसी में लगने वाला है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है,
कितने कौन से डोनर एटम्स है, चार्ज क्या है, वो सब मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो आप लोग इसका एक बार फोटो ले लो, फिर हम लोग तसल्ली से आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता रहेगा, सर डेंटिसिटी का मतलब क्या? तो डेंटिसिटी का सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं, ताकि हमारा आगे का कंसेप्ट इजी रहे, ठीक है। डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी लिगैंड, अगर समझो मैंने NH3 लिया, तो इसके पास कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर है जो वो मेटल को डोनेट कर सकता है, बराबर है। तो हर एक लिगैंड, ध्यान से सुनना, कोई भी लिगैंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है किसके साथ? मेटल के साथ, उसको उसका डेंटिसिटी बोलते हैं। अगर सब जो मेरे पास कोई लिगैंड है, जैसे ये वाला लिगैंड है, देख लो, इसका नाम है इथिलीन डायमाइन, बराबर है, इथिलीन डायमाइन है, इधर एक लोन पेयर है, इधर एक लोन पेयर है। तो जब इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो स्टूडेंट्स ये एक बॉन्ड बनेगा, ये एक बॉन्ड बनेगा। तो आप बताओ इस लिगैंड ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? दो। तो इसकी डेंटिसिटी हो जाएगी दो। सिंपल, जितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है वो ही उसकी डेंटिसिटी है। अगर समझो तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो डेंटिसिटी तीन, चार बना सकता है तो डेंटिसिटी फोर, एंड सो ऑन। तो एक बार वापस समझ लो, कोई भी लिगैंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ, वो ही उसकी डेंटिसिटी है। तो बेसिकली डेंटिस्ट वर्ड से आया है डेंटिसिटी, कि समझो ये एक दांत है, ये एक दांत है, और समझो ये एक मेटल है, तो ये वाला जो लिगैंड है, ये वाला लिगैंड, वो कितनी जगह से मेटल को जुड़ सकता है? समझो ये ऐसे ही जुड़ रहा है तो एक ही हुआ, बट अगर समझो वो दो जगह से जुड़ रहा है, समझो ये आपका लिगैंड है, मेटल है, राइट। तो इस मेटल को लिगैंड कितनी साइड से अटैच कर सकता है? दो, एक ये साइड से, एक ये साइड से। तो इसको बोलते हैं उसका डेंटिसिटी। सो डेंटिसिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल विद द लिगैंड, अवेलेबल विद द लिगैंड्स which can form coordinate bond with the metal, ठीक है। सो नाउ अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, लिगैंड्स को हम लोग ने टोटल 6 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी लिगैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स, लिगैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स। तो अभी एक एक करके हम लोग टाइप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है मोनो, नाम से पता चल जाएगा, डेंटेड लिगैंड्स, मोनोडेंटेड लिगैंड्स। ऐसे लिगैंड जिनका डेंटिसिटी कितना होगा? एक ही होगा, मतलब वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। सो सबसे पहली बात, इनकी डेंटिसिटी जो होगी वो होगी वन, बराबर है। दे कैन डोनेट ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली वन लोन पेयर ऑफ क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन। एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब दे कैन फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, ये बात अपने को पता चल गई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स के तौर पे, तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, आज तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए। NH3 है, ठीक है ना, वाटर है, H2O है, बराबर है। अगर मैं बात करूं Cl- है, CN- है, बराबर है, Cl- है, उसके बाद में OH- है, उसके बाद में CO है, NO है, एक्सेट्रा, बहुत सारे। अभी बहुत सारे बैठे हुए बच्चे, उनको एक डाउट आया होगा मन में,
कि सर वाटर के पास तो ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, ठीक है ना, वाटर के पास ऑक्सीजन के पास कितने हैं, दो दो लोन पेयर है, तो ये तो दो दो डोनेट कर सकता है ना बेटा, कभी नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही डोनेट कर सकता है। तो ऑक्सीजन बेटा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बना सकता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो बेटा वो अपने दोनों दोनों लोन पेयर नहीं देगा, ठीक है ना। डोंट एक्सपेक्ट कि ऑक्सीजन इतना महान है बेटा, वो सिर्फ अपना एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। तो आपने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा होगा H3O+, जिसको आप हाइड्रोनियम आयन बोलते हो, तो ये अपना दोनों लोन पेयर कभी नहीं देता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जितना लोन पेयर अवेलेबल है उसको उसका डेंटिसिटी बोलेंगे। मैंने यहाँ पे देखो स्टेटमेंट बहुत ही केयरफुल लिखा है, द नंबर ऑफ लोन पेयर अवेलेबल विद द लिगेंड विच कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने सीधा नहीं, द नंबर ऑफ लोन पेयर अवेलेबल विद द लिगेंड्स इज नोन एज डेंटिसिटी, नहीं, विच कैन फॉर्म क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। अगर मैं बात करूं नंबर टू बाइडेंटेट लिगेंड, नाम से पता चल रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होंगे जिनकी डेंटिसिटी कितनी होगी बच्चों, दो। तो डेंटिसिटी इज इक्वल टू टू, पहली बात तो ये, सो दे कैन डोनेट हाउ मेनी, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो लोन पेयर अब डोनेट कर सकते हैं, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, टू द मेटल। अभी इसमें भी और क्लासिफिकेशन है, एकदम ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग अपॉन सिमेट्री, मतलब वो दो भागों में इक्वली डिवाइड होगा या नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन सिमेट्री दे आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू टू टाइप्स। सो डिपेंडिंग ऑन सिमेट्री दे आर क्लासिफाइड इनटू, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स, दैट इज सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स। सिमेट्रिकल नंबर टू, अनसिमेट्रिकल। सर ये क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अभी ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स क्या, और बाइडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल्स क्या है इनकी डेंटिसिटी के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिमेट्रिकल है, तो बाइडेंटेट की बात करो, बट सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग इनकी बात कर लेते हैं ना। सिमेट्रिकल का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या किया जा सके, डिवाइड किया जा सके। तो बच्चों ये सब पढ़ने से अच्छा हम लोग एग्जाम्पल्स ही लेते हैं। नंबर वन इथिलीन, फर्स्ट वन डायमीन, इथिलीन डायमीन, बराबर है सर। ये क्या है, इथिलीन डायमीन जो है वो ये है, CH2 बॉन्ड, CH2 NH2, यहां पे भी बॉन्ड NH2। अभी मुझे एक आराम से बात बताओ, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है या नहीं है, है। इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, हाँ। तो आप बताओ ये पूरा लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल को, एक तो ये यहां से डोनेट कर सकता है, एक यहां से डोनेट कर सकता है, बराबर है। तो ये दो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दे कैन डोनेट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। तो अभी ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई, दो हो गई। अभी दूसरी बात, ये बाइडेंटेट लिगेंड तो कंफर्म हो गया, बट इसको सिमेट्रिकल क्यों बोला, अगर मैं इसको यहां से कट करूं, यहां से, तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिक्टो सेम आ रहा है बच्चों, यस। तो इसको सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। और इसका नाम क्या है, इथिलीन, इसको बोलते हैं इथिलीन, CH2 बॉन्ड, CH2 को इथिलीन, और ये भी अमाइन, ये भी अमाइन, तो कितनी बार अमाइन हुआ, डायमाइन। डबल एम सिर्फ NH3 में आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज, फालतू में कंफ्यूज मत होना, डबल एम जो है वो सिर्फ NH3 में आएगा, बाकी सब जगह पे सिंगल एम ही आएगा। और इसका जो शॉर्ट नेम है वो है EN, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, EN का मतलब इथिलीन डाई अमाइन, ठीक है। तो बहुत बार हम लोग इससे ही ये ही वर्ड यूज करेंगे, EN, EN का मतलब इथिलीन डाई अमाइन। जो भी स्टूडेंट्स मैं बोल रहा हूँ, हर चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो MCQ क्वेश्चंस में डालू मैं,
तो आप लोगों को एक एक चीज को बहुत ही ज्यादा तसल्ली से सुनना है। तो इसका नाम क्या है? इथिलीन डायमाइड। सबसे पहला पॉइंट, क्या ये सिमेट्रिकल लिगेंड है? हाँ। दूसरा, ये कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है। तीसरी बात, इसके ऊपर चार्ज क्या है? खुद के ऊपर चार्ज क्या है? चार्ज है इसका जीरो। तो कभी आज के बाद मैं अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा और वहां पे कभी ब्रैकेट में ई एन लिखा होगा तो ई एन का क्या लेंगे अपन? जीरो। डोनर एटम्स कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर डोनर एटम्स कौन है? नाइट्रोजन कॉमा नाइट्रोजन, दोनों के दोनों बेटा कौन है? नाइट्रोजन ही है। इज इट क्लियर? बहुत ज्यादा इजी था ये। तो स्टूडेंट्स, इट इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, चार्ज इसका जीरो है एंड डोनर एटम इसके दोनों के दोनों कौन से हैं? एन और एन, दोनों के दोनों एन है, इसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल हो गया किसका? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमको डिस्कस करने। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वापस से मैं बोलूंगा, इथिलीन डायमाइन को ईएन बोला जाता है शॉर्ट में, और ये एक सिमेट्रिकल है, यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, इसके ऊपर चार्ज क्या है? जीरो, और दोनों के दोनों डोनर एटम्स क्या है? नाइट्रोजन ही है। इज इट क्लियर? तो आप इसका फोटो लो, फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। आफ्टर इथिलीन डायमाइड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सलेटो, ठीक है ना, नाम सुना होगा, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखेंगे OX माइनस टू, ठीक है ना। ऑक्सैलिक एसिड सबको पता होगा, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। COH दो बार होगा तो ऑक्सैलिक एसिड, बट नाम में O, लास्ट में O आया और दूसरी बात माइनस टू मैंने लिखा हुआ है, तो ये दोनों एच हटा देना है, इसके ऊपर भी माइनस, इसके ऊपर भी माइनस। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ओ, इधर माइनस, इस ओ, इसके ऊपर भी माइनस। तो बच्चों एकदम सिंपल है, ये ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है क्योंकि अनायनिक है, ये वाला ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, बराबर है। तो सबसे पहली बात, ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल है। कैसे? अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक सिमेट्रिकल लिगेंड है, करेक्ट। दूसरी बात, ये क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। तीसरी बात, अगर मैं इसका चार्ज पूछ लूं तो इसका चार्ज क्या है? माइनस टू है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से तो लिखते ही है, और बहुत बार जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो C2O4 माइनस लिखा होगा, ऐसे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। C2 ऑक्सीजन कितने हैं? चार। मैं बहुत स्लो सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जितना फास्ट पढ़ोगे उतना ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो बहुत तसल्ली से पढ़ रहे हैं, और इसके स्टार्टिंग में कम से कम 5-6 लेक्चर्स ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बेसिक से, वही सब या आएगा तो आगे का आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? माइनस टू का चार्ज है। नेक्स्ट, इसके अंदर डोनर एटम्स कौन है? डोनर एटम्स, इधर भी ऑक्सीजन और उधर भी ऑक्सीजन, जीरो जीरो नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। इसके ऊपर चार्ज क्या है? इस लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या है? माइनस है। तो क्या मैं इसको अनायनिक बोलूंगा कि कैटायनिक बोलूंगा? इसको हम लोग अनायनिक लिगेंड के तौर पे मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो इसका सिंबल जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो क्या है? OX-2, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल आराम से, ठीक है। नेक्स्ट, ब्यूटिलीन डायअमीन, ब्यूटिलीन डायमाइन को अपन BN लिखेंगे। क्या लिखेंगे? BN, ठीक है ना। इथिलीन डायमाइन को EN लिखा, तो ब्यूटिलीन डायमाइन को BN लिखेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है वो देख लीजिए। CH3 CH2 CH CH यहां पे CH3, यहां पे हम लोग लिखेंगे NH2 और यहां पे भी हम लोग लिखेंगे NH2,
इस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास में भी एक लोन पेयर है, बराबर है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को वापस से देखोगे तो क्या ये सिमेट्रिकल है? हाँ, तो ये सिमेट्रिकल है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। दूसरी बात, इसके ऊपर चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, तो चार्ज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो क्या मैं इसको न्यूट्रल बोल सकता हूं? हाँ, तो ये एक आपका एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूट्रल लिगेंड का। ये न्यूट्रल लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया। इसमें डोनर एटम कौन है? डोनर एटम दोनों के दोनों नाइट्रोजन की है, ठीक है, नाइट्रोजन कॉमा नाइट्रोजन है, ठीक है ना। और ये एक न्यूट्रल लिगेंड हो गया बच्चों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल, 2.2 बाइपिरिडिल, ठीक है ना, इसको हम लोग बीपीवाई बोलेंगे। सर ये क्या है 2.2 बाइपिरिडिल? ये बहुत एक इजी एग्जाम्पल है, ध्यान देना। ये देखो, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, इसको आप पिरिडिन बोलोगे, सर करेक्ट। इसके पास नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है, करेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़े, फिर अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, इसके साथ एक और पिरिडिन जुड़ा हुआ है, बराबर। चलिए तो इस नाइट्रोजन के पास भी कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन भी एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन भी एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। इस वाले कार्बन को हम लोग कार्बन नंबर 1 बोलते हैं और यहाँ पे सेकेंड एटम है, ठीक है ना। ये कार्बन ये बट नंबर 2 है, ये 1' है और ये 2' है, ठीक है ना। आईबीएसी में सिखा है, ये बाइफिनाइल्स के कंपाउंड जैसे होते हैं वैसा ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2.2' बाइपिरिडिल। क्यों? दो बार पिरिडिन है, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, बाइपिरिडिल। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंपाउंड भी क्या है, सिमेट्रिकल ही है। कैसा है ये कंपाउंड भी? सिमेट्रिकल है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट बोलो, इट इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। दूसरी बात, इसके ऊपर चार्ज क्या है? कोई चार्ज नहीं, ये भी क्या है, न्यूट्रल ही है। सो चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। और ये भी कौन से टाइप का लिगेंड है? एक न्यूट्रल लिगेंड है, करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें डोनर एटम्स कौन कौन है, तो इसमें भी डोनर एटम्स जो है वो दोनों के दोनों नाइट्रोजन ही है, ठीक है ना। तो लोन पेयर आया, ये भी एक कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो टोटल कितने एग्जांपल्स हुए, 4 एग्जांपल हुए। एक और पांचवा एग्जांपल ध्यान देना, 1.10 फिनान्थ्रोलीन, 1.10 फिनान्थ्रोलीन, ठीक है ना सर, ऐसे नाम से डर लग रहा है हमको। तो ये 2-3 बार ही पढ़ना है बच्चों, ये तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो 1.10 फिनान्थ्रोलीन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लो, ये वाला तो जो अभी मैं बना रहा हूँ उसकी तो एक्चुअल में जरूरत नहीं है, तो क्यों बना रहे हो सर। बट कैसे है कि अगर समझो कभी नाम भी पूछ लिया तो यू शुड बी एबल टू आंसर, ठीक है ना। इसमें ये पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ये पोजीशन पे भी नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि नहीं है? अगर ये बॉन्ड अगर मैं अंदर शिफ्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, दोनों क्या है, सेम ही है, ये साइड में लिखो या ये साइड में। तो ये कंपाउंड समझाने के लिए बोलने के लिए बोल सकता हूँ कि हाँ सिमेट्रिकल है। देखो ये सिमेट्रिकल है, यस। और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी एक बाइडेंटेट है और सिमेट्रिकल है। सो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। दूसरी बात, इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा जीरो। तो ये भी कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे मुझे डाउट्स पूछते थे, सर लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं। देखो पूरा एक लेक्चर है और इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर भी सिर्फ लिगेंड्स के ऊपर ही है। अगर मैं बात करूं इनके डोनर एटम्स की, तो इनके डोनर एटम्स कौन है?
वापस से नाइट्रोजन ही है दोनों केस में। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल लिगेंड्स के बारे में। सिमेट्रिकल लिगेंड्स कौन कौन से थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं चलो, ठीक है ना। अभी आप बोलोगे सर ये 10 कैसा आया, तो इसमें नंबरिंग हमेशा इधर से की जाती है 1, 2, 3, 4, फिर ये 4 के बाद इसको 5 है, जो कॉमन है उनको नंबरिंग नहीं करेंगे, 5, 6, फिर इधर 7, 8, 9, 10। तो ये एक्चुअली ये वाला आईयूपीएससी हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर स्टैंडर्ड्स में, तो आप लोगों को खाली समझाने के लिए बोल दिया कि 1 और 10 के ऊपर इस वजह से इसको 110 फिनांथ्रोलिन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड में फर्स्ट पार्ट, बाइडेंटेड लिगैंड में फर्स्ट पार्ट दैट इज सिमेट्रिकल लिगैंड्स, ठीक है। सिमेट्रिकल लिगैंड्स खत्म हुआ, अभी हम लोग बढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल लिगैंड्स। मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, सबसे पहला जहां इथिलीन डायमाइड दैट इज EN, उसमें आप लोग लिख सकते हो न्यूट्रल, शायद वहां पे लिखा नहीं था हमने, लिख लेना। दूसरा मैंने लिखा ऑक्सलेटो, बहुत ही फेमस है, जिसको ये दोनों बहुत बार यूज करेंगे अपन, या तो C2O4 लिखा रहेगा या फिर OH2-, ठीक है। तीसरा कौन सा था, ब्यूटिलीन डायमाइड, बहुत ही रेयरली यूज्ड है, ठीक है ना। उसके बाद में 2,2 बाइपिरिडिल, बहुत ही रेयरली यूज्ड है। उसके बाद में 1,10 फिनांथ्रोलिन, ये भी बहुत ही रेयरली यूज्ड है। सर तो फिर सिखा क्यों रहे हो, बिकॉज समझो एक क्वेश्चन बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइडेंटेड लिगैंड, ऑप्शन ए इथिलीन डायमाइड, ऑप्शन बी ऑक्सलेटो, ऑप्शन सी 1,10 फिनांथ्रोलिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सर ऑल ऑफ द अबव, बट अगर आप लोग सोचोगे कि सर वहां पे श्योरिटी क्या है, श्योरिटी क्या है बच्चों, कि आपको अगर ये चीजें पता है तो ही वही आपकी श्योरिटी है, ठीक है, वरना वो कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो स्टूडेंट्स मैंने बहुत ही तसल्ली से एक एक चीज बता रहा हूँ, क्यों इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, क्या चार्ज है, ये सब आपको याद रखना है और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द अनसिमेट्रिकल का सेकंड पार्ट। बाकी ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सिर्फ फर्स्ट ये जो है इसमें ही ज्यादा एग्जांपल्स है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं बायसिमेट्रिकल और बायडेंटेड लिगेंड्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी, POS बोलते हैं ना आप लोग ऑर्गेनिक में भी वैसे से। तो ध्यान देना, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ग्लाइसिनेटो, जिसको हम लोग GLY-1 लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, राइट। ना ध्यान देना, ग्लाइसिन बच्चों क्या है, एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ध्यान देना। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसका फॉर्मूला है NH2CH2C(OH), ठीक है ना, अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइनो एसिड हो गया। अभी इसमें कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, एक लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल है और माइनस वन लिखा है, मतलब यहाँ पे OH नहीं O- माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। लिखेंगे कैसे इसको वो देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, O के ऊपर माइनस CH2, यहां पे हम लोग लिखेंगे NH2। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मेटल है तो वहां पे ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, तो टोटल कितने लोग डोनेट कर सकते हैं, 2। बट क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या मैं इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। दूसरा ये कौन सा लिगेंड है, बाय डेंटेड है। तीसरी बात, इसके ऊपर चार्ज क्या है बच्चों, सर चार्ज इक्वल टू -1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। GLY लिखते हैं इसको शॉर्ट में, और चार्ज कितना है -1, और ये -1 इस वजह से आया, ये तो न्यूट्रल है। नेक्स्ट, तो इसको कौन सा लिगैंड बोलना चाहिए सर, अनायोनिक लिगैंड, ये कौन सा है, अनायोनिक भी है और न्यूट्रल भी है, तो ऑब्वियसली अनायोनिक लिखेंगे ना, न्यूट्रल का मतलब तो वैसे भी कोई चार्ज होता नहीं है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, अनायोनिक लिगैंड। और याद रखना इसका अब्रीविएशन GLY, जैसे इथिलीन डायमाइड का EN था वैसे इसका GLY, ये अनसिमेट्रिकल था कि सिमेट्रिकल था, अनसिमेट्रिकल था, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल प्रोपाइलीन डायअमीन, जिसको शॉर्ट में अपन लिखेंगे PN, इथिलीन डायमाइड को क्या लिखा था EN, ब्यूटिलीन डायमाइड को BN, जैसे प्रोपाइलीन डायमाइड को PN लिखेंगे, ठीक है। अभी ये क्या होता है सर, CH3 CH2, यहां पे हम लोग लिखेंगे
NH2, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे NH2। इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है जो कि डोनेट कर सकता है ये भी और ये भी, बट क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। हाँ, अगर ये नहीं होता तो हो जाता, तो यहाँ पे CH2 आता तो फिर ये इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो जाता। अभी जैसे अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर भी दूं ऐसे, तो यहाँ पे CH3 है, ये साइड में तो CH3 है ही नहीं ना, तो सिमेट्रिकल हुआ कि अनसिमेट्रिकल हुआ? ये भी एक अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल हो गया। तो ये हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। दूसरी बात, इसके ऊपर चार्ज क्या है? चार्ज है बेटा जीरो, चार्ज हो जाएगा जीरो, तो ये कौन सा लिगेंड हो जाएगा? न्यूट्रल लिगेंड हो जाएगा। ये वापस से कौन सा लिगेंड हो जाएगा? न्यूट्रल लिगेंड, बराबर है। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें डोनर एटम्स कौन कौन है? डोनर एटम्स की अगर हम लोग बात करें तो डोनर एटम्स हो जाएंगे बच्चों कौन? एक तो ऑक्सीजन हो जाएगा और एक हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें बेटा ये वाला, तो ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। और अगर हम लोग बात करें इसमें डोनर एटम कौन कौन है, तो इसमें डोनर एटम्स है आपके नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, दोनों के दोनों कौन से बेटा? नाइट्रोजन ही है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं बच्चों नंबर थर्ड में, एसिटाइल एसिटोनेटो, एसिटोनेटो जिसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे, AC AC-, इसके ऊपर भी एक माइनस का चार्ज है बच्चों, ठीक है। अब ये एसिटाइल एसिटोनेटो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। CH3 इसको हम लोग एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, CH3 ये क्या हो गया आपका? एसिटाइल ग्रुप। फिर इसके अंदर एसिटोनेटो का मतलब ये होता है, O के ऊपर माइनस और यहाँ पे CH3। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, तो बेसिकली इसमें कितने हुए? दो हुए। तो ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है, बराबर ना, ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन इसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और देखो इसके ऊपर माइनस का चार्ज है तो एक माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल हुआ? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, ये भी एक अनसिमेट्रिकल है, बाइडेंटेट है डेफिनेटली। नेक्स्ट बताओ सर इसके ऊपर चार्ज कितना है? इसके ऊपर का जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस वन हो जाएगा। तो इसको कौन सा वाला एग्जाम्पल बोलेंगे? एनायनिक लिगेंड का। और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स इसके डोनर एटम्स के बारे में, तो डोनर एटम्स कौन से है बताओ? ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो डोनर एटम्स ऑक्सीजन कॉमा ऑक्सीजन, ओ कॉमा ओ है, ठीक है ना। और इसके अलावा तो कुछ है नहीं, चार्ज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो ये एक थर्ड एग्जांपल हो गया। नाउ एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में इथिलीन डायमाइड डाल देंगे तो इथिलीन डायमाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंड द फाइनल वन इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखने के टाइम में क्या लिखेंगे? डीएमजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप सब में यही बोल रहे हो। डीएमजी के ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड के बारे में, तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज निकल के एस्टिमेशन आगे आएगा। अच्छा, एकदम ब्राइट कलर का, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है निकल के साथ। निकल का जो एस्टिमेशन होता है वो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम के साथ ही होता है। सर ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम होता क्या है वो देखो, दो बार मिथाइल आ गया, राइट ना। ग्लाइऑक्साइम का मतलब क्या होता है? CNOH, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, डबल बॉन्ड एन OH, बराबर है। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये तो सिमेट्रिकल है, यहीं पे बच्चे धोखा खा जाते हैं, ध्यान देना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, और ये वाला जो H है वो इसके ऊपर नहीं होता है, इस वजह से इसका ऊपर माइनस का चार्ज आता है। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? डाइमिथाइल सी डबल बॉन्ड एन ओ एच को क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्साइम। सो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, माइनस है ना। क्या इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH और यहाँ पे OH नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगेन आई एम सेइंग,
अननेसेसरली मन में क्वेश्चंस मत लाओ, जो चीज क्लियरली दिख रही है उसकी वजह से कंफ्यूज मत हो, आगे कंफ्यूज होने के लिए बहुत सारी चीजें, यहाँ पे OH है यहाँ पे OH नहीं है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, बराबर ना बच्चों, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, इसका चार्ज हो जाएगा -1, तो ये वापस से कौन सा लिगेंड हो जाएगा, अनायनिक लिगेंड, ठीक है ना, बट अगर मैं डोनर एटम की बात करूं तो इसके अंदर डोनर एटम्स कौन है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, तो सर ये वाला इसमें डोनेट नहीं करता है, नाइट्रोजन ही डोनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल होगा वो ऐसे रिंग बना देगा इसके साथ, बराबर है, तो स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो अवे है, तो ये वाला बॉन्ड बहुत बड़ा बॉन्ड हो जाएगा तो वीक हो जाएगा, इस वजह से बेटा ये इजिली डोनेट करेगा, तो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ ऑल द एग्जांपल्स ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, आपने देखा होगा तो सिर्फ लगभग 2 से 2.5 बोर्ड तो हमने बाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में पढ़ा, और बाइडेंटेट लिगेंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक बाइडेंटेट लिगेंड आपको याद रहना ही करना है, और एक एक के ऊपर क्या चार्ज है वो सब आपको याद रखना है स्टूडेंट, सो दिस इज द एंड ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट, बट वो इतने बड़े बड़े नहीं है, सबके एक एक दो दो एग्जांपल्स है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, और ये एक एक के लिए लिखना है, आगे टेट्रा पेंटा हेक्साडेंटेट के लिए नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट बाइडेंटेट के लिए तो लिखना है, क्योंकि हमको आगे बहुत काम आने वाला, ठीक है, इसका फोटो लो, फिर मैं टेट्रा ट्राइडेंटेट के स्टार्ट करता हूँ, ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द थर्ड वन, ये सब छोटे छोटे हैं, डोंट वरी, ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड की डेंटिसिटी कितनी होगी, 3, डेंटिसिटी इज इक्वल टू 3, एंड इट कैन फॉर्म 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे ये, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं, देखिए NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, आप बताओ इसको क्या बोलते हैं, सर ये तो हमने पढ़ा था इथिलीन डायमाइन, क्या नाम था इसका, इथिलीन डायमाइन, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक लोन पे, यहाँ पे एक लोन पे, सर ये तो बाइडेंटेट हो गया, कुछ नहीं, इसी को रिपीट कर दो वापस, एकदम सिंपल ट्रिक, इसी को रिपीट कर दिया तो अभी ये ट्राइडेंटेट हो गया, तो आप बताओ, मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले बोला था CH2 बॉन्ड CH2 को इथिलीन बोलते हैं, तो कितनी बार इथिलीन है, 2 बार, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथिलीन NH2 कितनी बार है, 3 बार है तो अमाइन ही ना, ये सेकेंडरी अमाइन है, बट है तो अमाइन, ट्राई अमाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइईन, याद रखना शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, डाइईन, आप बताओ अगर मैं यहां से इसको कट करूं तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल है, ट्राइडेंटेट है, इसके ऊपर अगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है तो ये न्यूट्रल है, डोनर एटम्स कौन कौन से हैं, डोनर एटम्स की अगर बात करें तो वो है नाइट्रोजन, एकदम सिंपल, सो इसका नाम याद रखना डाइईन मतलब डाइईथिलीन ट्राइअमाइन, ठीक है, तो ये जो नाम रहेगा उसी से डिसाइड करता है, और एक ट्रिक देता हूं, और भी ट्रिक, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो याद रखना, ये कौन सा लिगेंड है, 3, डेंटिसिटी कितना है, 3 है ना, तो 3 में से एक काम करो, कितना बचा, 2, तो डाइईन, अगर ऐसा समझो ये टेट्राडेंटेट होता तो 4, एक काम करो ट्राइईन, 5 होता तो टेट्राईन, ठीक है, एग्जाम्पल और लेंगे अपन, नंबर टू ये वाला एग्जाम्पल, ये तो सर पिरिडीन है, ये थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, पिरिडीन, एक लोन पेयर है, अगर मैं इसके साथ एक और पिरिडीन जोड़ दूं तो ये तो बाइपिरिडिल हो जाएगा, ऐसा बाइपिरिडिल, और अगर एक इसके साथ और जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइपिरिडिल, ओके समझा सर, ठीक है बेटा, तो बताओ इसका नंबरिंग क्या था, 1 था, ये 2 था, ये 1-2-, तो ये
वन डबल डैश टू डबल डैश, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, टू कॉमा टू डैश कॉमा टू ट्रिपल डैश डबल डैश सॉरी ट्राइपिरिडिल, ट्राइपिरिडिल, और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे टीई आर पी वाई, टर्पाई, टर्पाई, टी आर आई मत लिखना, टीई आर है ये, ठीक है ना, टी आर ई मत, टी आर आई मत लिखना, टीई आर ही है वो टर्पाई, ठीक है ना। आप बताओ ये भी एक डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर मैं इसको यहां से कट करूं तो ये दोनों इक्वल टुकड़े, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अगर आप यहां से कट करोगे तो यहां पे तो डबल बॉन्ड है नहीं, ठीक है ना। ऐसे महान लोगों को मेरा प्रणाम है बेटा, क्यों, क्योंकि ये अरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें ये लोन पेयर जो है कंटिन्यूअसली घूमते रहता है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा ना बना के इसको ऐसे भी बना दूं तो क्या गलत थोड़ी है। तो फिर क्या बॉन्ड किधर ढूंढते बैठोगे मैं, ठीक है ना। चलो सिमेट्रिकल है। दूसरी बात, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, इसके ऊपर भी चार्ज है बेटा जीरो। इसके बाद ये न्यूट्रल ही है, यस अगेन न्यूट्रल है। उसके बाद इसके डोनर एटम्स कौन से, वापस से सेम डोनर एटम्स जो है वो है नाइट्रोजन कमा नाइट्रोजन कमा नाइट्रोजन। तो ये एग्जांपल हो गए किसके, ट्राइडेंटेट लिगेंड के। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो ये देखो फटाफट खत्म हो रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ज्यादा बड़ी भी नहीं है, बट पढ़ना हमको सब है। टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिसका डेंटिसिटी कितना होता है, चार, ठीक है। तो डेंटिसिटी हो जाएगा बच्चों फोर, डेंटिसिटी फोर। दे कैन फॉर्म, दे कैन फॉर्म हाउ मेनी, फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वो लोग बना सकते हैं, ठीक है, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे एकदम सिंपल, ये वाला क्या था, ट्राइडेंटेट था, इधर NH2 था ना, इसको H बना के वापस रिपीट मार दो। सर कैसे समझा दें, सब गांव से आए लगते हैं। ये देखो NH2 CH2 CH2 NH, ये NH2 कर दूं तो ये बाइडेंटेट हो गया, क्यों, लोन पेयर एक लोन पेयर दो। अभी अगर इसको H कर दो वापस, फिर वापस CH2 CH2 और NH2, ये ट्राइडेंटेट हो गया, इधर भी एक लोन पेयर। फिर और अगर समझो CH2 CH2 और NH2 लगा दो तो इसमें कितने लोन पेयर हो गए, एक दो तीन चार। तो आप बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम हो जाएगा कितनी बार CH2 CH2 ग्रुप है, एक दो तीन, तो ट्राइइथिलीन, ट्राइइथिलीन एक दो तीन चार टेट्रा अमाइन। आप लोग देख रहे हो एक चीज बेटा, मैं कहीं पे भी डबल एम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ NH3 जहां पे था वहीं पे लिख रहा हूं। तो अभी मुझे था इसका डेंटिसिटी कितना है, चार, चार है ना, एक कम कर दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइइन। चलो आप बताओ सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, यहां से अगर कट करूंगा तो दोनों पार्ट सेम आ रहे तो सिमेट्रिकल है। दूसरा इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, चार्ज जीरो, चार्ज होता तो मैं उसके ऊपर ही लिखता ना बच्चों, इसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं ट्राइन के ऊपर, तो चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। न्यूट्रल लिगेंड है और डेंटिसिटी कितनी है, सॉरी डेंटिसिटी तो हो गया, डोनर एटम्स कौन है, डोनर एटम्स हो जाएंगे आपके चारों के चारों नाइट्रोजन, एन कॉमा एन कॉमा एन कॉमा एन, चारों के चारों कौन है, नाइट्रोजन है। तो ये हो गया ट्राइडेंटेड लिगेंड्स एंड टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। अभी हमारे सिर्फ दो ही बाकी है, नेक्स्ट बोर्ड पे आराम से हो जाएंगे, एक है पेंटाडेंटेड लिगेंड और एक है हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो बच्चों ये बहुत ही इजी टॉपिक है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होगा समझ में आया होगा तो ही आगे हम लोग बहुत इजी लगेगा, वरना बहुत टफ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट वन इज पेंटाडेंटेड लिगेंड, ई पेंटाडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होगा जिसका डेंटिसिटी कितना होगा स्टूडेंट्स, सिक्स होगा कि फाइव होगा, फाइव होगा, ठीक है। सिक्स किसका होगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड। सो फर्स्ट पॉइंट, डेंटिसिटी इज इक्वल टू फाइव, कैन फॉर्म
five कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, पांच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। ना ध्यान से सुनो, एग्जांपल के तौर पे वी आर गोइंग टू टेक टू एग्जांपल्स। नंबर वन, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड का नाम है इथिलीन डायमाइड, बराबर है। बट हम लोग इसको ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें अगर मैं एक एच को हटा के CH2 और NH को डालूं तो ये ट्राई डेंटेट लिगेंड हो जाएगा। एक दो तीन डेंटिसिटी, तीन हो गया। अभी अगर और CH2 NH जोड़ दो तो चार हो जाएगा, और CH2 NH2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। तो टोटल इसका डेंटिसिटी कितना हो जाएगा, पांच, ठीक है। 1, 2, 3, 4 and 5। इसमें इथिलीन ग्रुप कितने बार है, इथिलीन मतलब CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2, 1, 2, 3, 4। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा इथिलीन। NH2 ग्रुप या अमाइन ग्रुप कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, पांच बार है, तो पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, ठीक है। दो बार ये आएगा इसमें, तो फिर इसका नाम क्या होगा, इसकी डेंटिसिटी कितनी है, पांच, पांच में से एक माइनस करो, चार। तो इसका शॉर्ट नेम जो होगा, एब्रीवेशन होगा टेट्रा ई, क्या जाएगा, टेट्रा ई। नाउ इफ आई लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इज इट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। कैसे चेक किया सर, बताओ जरा। अगर मैं बात करूं NH2, तो यहाँ पे भी NH2 है, दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड होना चाहिए, CH2 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 CH2, फिर NH है, फिर CH2 CH2 और NH, तो इधर से अगर हम लोग कट कर रहे हैं तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल, दोनों सेम हो जाएंगे, सिमेट्रिकल है। दूसरा, इज इट न्यूट्रल और चार्ज, इट इज न्यूट्रल, इसका चार्ज कितना आएगा, जीरो हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। एग्जाम्पल नंबर टू है EDTA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ऊपर माइनस थ्री याद रखना, -3, ठीक है ना, EDTA -3। अभी ये क्या है सर, ये EDTA का फुल फॉर्म है बच्चों, इथिलीन डायमीन डाय अमाइन ट्राई एसीटेट, या ट्राई एसिटेटो, ठीक है, ट्राई एसिटेटो आयन, ठीक है, इथिलीन डायमाइन ट्राई एसिटेटो आयन। ये क्या है सर, जरा समझो, ये देखो इथिलीन का मतलब क्या होता है वो बताओ पहले सर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डायमाइन मतलब दोनों साइड में क्या रहेगा, NH2 रहेगा, बराबर है। उसके बाद में उन्होंने बोला टेट्रा की ट्राई एसिटेट है, मतलब तीन हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, इधर से दो और इधर से एक, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, यहां से एक एच हटा दिया, एक एच बच गया, इधर से तो दोनों के दोनों एच हटा रहे बच्चों, ठीक है ना। अभी क्या बोला है, ट्राई एसिटेट, एसिटेट ग्रुप क्या होता है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, राइट। एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, और इसको एसिटेट बोलते हैं। बट इसको जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे CH2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH2 COO माइनस। तो ये एक साइड हो गया, ये देखो ये एक साइड हो गया, बराबर है। दूसरा यहाँ पे एक और CH2 COO माइनस, ये दूसरा साइड हो गया CH2 COO माइनस, ये तीसरा साइड हो गया, ठीक है। चौथा साइड ये हो गया और ये पांचवा साइड हो गया। सो EDTA 3- इज अ पेंटाडेंटेट लिगैंड। सो मैं क्या लिखूंगा, EDTA 3- भी लिखा क्योंकि तीन जगह पे नेगेटिव चार्ज है, 1, 2, 3, ठीक है, इज अ पेंटाडेंटेट लिगैंड, पेंटाडेंटेट लिगैंड। दूसरी बात, अगर मुझे इसका किसी ने पूछ लिया कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो ऑब्वियसली क्या है, अगर इक्वली कट करूंगा तो यहाँ पे एच है और यहाँ पे कुछ अलग ही ग्रुप है, सो इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल लिगैंड, बराबर। तीसरी बात बेटा, चार्ज क्या है, चार्ज आएगा इसमें -3, ठीक है ना, -3। और डोनर एटम अगर पूछ ले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डोनर एटम दो टाइप के हैं, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन कितने हैं, गिनो, एक और दो, दो नाइट्रोजन एटम्स हैं,
और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, एक दो, और यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ तीन ही हैं, तो तीन ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे, बराबर है। अगर मैं इसके केस में देखने जाऊँ तो डोनर एटम कौन कौन है, सब नाइट्रोजन ही है, तो यहाँ पे डोनर एटम्स जो है वो कितनी बार नाइट्रोजन आएंगे, दो तीन चार पांच, पांच बार नाइट्रोजन आएंगे, तो डोनर एटम है नाइट्रोजन कितनी बार, पांच बार। सो दिस इज द स्टडी ऑफ व्हाट, पेंटाडेंटेट लिगैंड। पेंटाडेंटेट लिगैंड हमारा अच्छे से कवर हो गया। अभी हम लोग लास्ट जो बहुत ही छोटा इसी के ऊपर चलेगा, वो भी लास्ट वाला जो है वो हेक्साडेंटेट लिगैंड है, वो स्टडी करेंगे, तो अपना ये पूरा लिगैंड का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फोटो ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द लास्ट वन। लास्ट वन इज हेक्साडेंटेट लिगैंड, इसी के अंदर चेंजेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। लास्ट वन इज हेक्साडेंटेट लिगैंड। हेक्साडेंटेट लिगैंड लास्ट है हमारे लिए, इसका डेंटिसिटी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इट कैन फॉर्म हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अभी क्या करोगे, ये तो ऑलरेडी पेंटाडेंटेट है, अगर मैं इसको और ऐसे चेंज करके CH2 NH2 कर दूं, तो आप बताओ, एक दो तीन चार पांच छ, छ हो गया। उसके बाद में CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप जो है इसका नाम क्या है, इथिलीन। ये कितनी बार है, एक दो तीन चार पांच, पांच बार है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पेंटा आएगा। सो इसका नाम क्या रहेगा, पेंटा इथिलीन। और कितनी बार अमाइन है, गिनो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए, हेक्सा अमाइन। सो पेंटा इथिलीन हेक्सा अमाइन, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, यहाँ पे टोटल छह, तो छह में से एक क्या, पेंटा ईन, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं बेटा, हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक सिमेट्रिकली ही है, देखो कैसे, NH2 वहां पे भी NH2, CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH, यहां तक सेम हुआ, फिर CH2 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 CH2, फिर NH, फिर CH2 CH2, और बीच में लाइन ऐसा, ठीक है ना। चलो, तो इज इट सिमेट्रिकल, यस। न्यूट्रल है, हाँ। चार्ज कितना, इक्वल टू जीरो। डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। हम कितने डोनर एटम्स हो जाएंगे, छह हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगैंड। दूसरा एग्जांपल सेम ग्राउंड पे चल रहा है, इसलिए मैंने कुछ इरेज ही नहीं किया, EDTA4-, ठीक है। EDTA4- में यहाँ पे जो है ट्राई एसिटेटो की जगह पे क्या आ जाएगा, टेट्रा एसिटेटो आयन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज करना है बस, और कुछ नहीं, यहाँ पे खाली एक और ऐसा सेम आ जाएगा। EDTA4- is a hexadentate ligand. दूसरी बात, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ऑब्वियसली इट इज सिमेट्रिकल, ठीक है। उसके बाद में इसका चार्ज अगर कभी पूछ ले तो इट इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, डोनर एटम कौन है, डोनर एटम्स जो है वो कौन है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। एक नोट याद रखना बच्चों, इफ नॉट स्पेसिफाइड ऑलवेज टेक EDTA एज हेक्साडेंटेट लिगैंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं बोला है, डोंट गेट कंफ्यूज। जब आप MCQ सॉल्व करोगे इस लेक्चर के बाद, कंफ्यूज मत होना, और आगे लेक्चर्स में भी कभी कंफ्यूज मत होना। सिर्फ अगर मैं EDTA बोलता हूँ, सिर्फ EDTA, So, उसको आप क्या मान के चलोगे, हेक्साडेंटेट लिगैंड, ठीक है ना, हेक्साडेंटेट लिगैंड। सो इफ नॉट स्पेसिफाइड, कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये हेक्सा है या पेंटा है, अभी कभी डाउट आ जाए आप लोग, तो हमेशा याद रखना इट इज ऑलवेज अ डैश लिगैंड, हेक्साडेंटेट लिगैंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लिगैंड का कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाता है। एक छोटी सी चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो वैसे तो फ्यूचर लेक्चर्स में आने वाले ही है, पर फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। अभी अगर मैं समझो ये कंपाउंड लिखता हूं, NaAgCN2, ठीक है ना, मैं कार्बन फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में पढ़ा था। तो अभी अगर आप देखो तो इस सिल्वर के ऊपर
कितने साइनाइड ग्रुप है, दो साइनाइड ग्रुप है, बराबर है, ये CN और यहाँ पे भी CN लिखा, बराबर है। तो आप बताओ इस CN ने कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो एक कौन सा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, बराबर है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसने, तो इसका डेंटिसिटी कितना हो गया, वन हो गया, बराबर है। बट आप अगर आप सुनो ध्यान से, सुनो सिल्वर की बात करो तो सिल्वर के ऊपर टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सर सिल्वर के ऊपर तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है ना, तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन सा नंबर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू टू, सर कैसे, सिल्वर सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, भले वो कितने भी लिगेंड्स ने बनाया उससे कोई लेना देना नहीं, सुना मैंने, भले वो कितने भी लिगेंड्स ने बनाया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्या करोगे उसको बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे। जैसे आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में यूज करते हो, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ आयन इन NaCl स्ट्रक्चर, 6 बोलते हो, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- क्लोराइड आयन इन NaCl, रॉक सॉल्ट बोलते ना उसमें क्लोराइड आयन का है जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, वापस से 6 होता है, कैसे, एक Na होता है उसके आगे Cl पीछे Cl, तो दो लोग टच कर रहे दो हो गया, फिर इधर आजू में Cl इधर भी Cl, कितने हो गए, चार, एक ऊपर Cl होगा और एक नीचे Cl होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे बेटा। तो याद रखना इसका आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा, डिपेंड करता है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, तो इधर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, दो, तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड, वो तो वन ही है, नहीं वो तो वन ही है, बट अगर सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले, तो क्या करोगे, आपको देखना पड़ेगा कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड टोटल बने हैं, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सिल्वर विल बी टू, ठीक है ना। अगर मैं इसकी जगह पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है, कोबाल्ट NH3 6 टाइम्स Cl2, तो अभी यहाँ पे कोबाल्ट जो है उसके ऊपर टोटल अमोनिया कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन ऑफ कोबाल्ट, हाँ लिगेंड का डेंटिसिटी तो एक ही है, हर एक लिगेंड एक एक ही बॉन्ड बना रहा है, वो तो डेंटिसिटी तो वन ही है, बट टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट विल बी 6 हो जाएगा बच्चों। तो ये टॉपिक हमारा आगे भी आएगा, आगे हम लोग इसको और भी आरपी ट्रिक से सीखेंगे, तो आज के लेक्चर में मुझे पता है थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, बट स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 मैं खुद बोल रहा हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा ही रहेगा, बिकॉज उसका रीजन मुझे स्टूडेंट बहुत सारे मैसेज करते हैं सर इतना बड़ा लेक्चर मत बनाओ, बट स्टूडेंट कैसा होता है मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है, ये पूरा एक कंसेप्ट जाता है, अगर मैं अलग अलग लेक्चर में सिखाऊंगा सब अलग अलग लगेगा, फिर वो मजा नहीं आएगा उतना, तो दो लेक्चर में आपको खुद बोल रहा हूँ लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 थोड़ा थोड़ा बड़ा ही रहेगा, बिकॉज मैं पूरा लिगेंड्स ही कंसेप्ट सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारा कंसेप्ट ऑफ लिगेंड ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 4, इस लेक्चर के एंड में आपको जो पीडीएफ के फॉर्म में होमवर्क दिया गया है वो आप लोग प्लीज सॉल्व करिएगा, लेक्चर नंबर 5 देखने से पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसेप्ट ऑफ अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स इन डिटेल, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।